गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछली क्लास में हम लोगों ने न्यूमेरिकल क्वेश्चन स्टार्ट किए थे चैप्टर 6 का, जिसमें हम लोग फ्री हैंड कर्व मेथड पहले से पढ़े हुए थे और सेमी एवरेज मेथड पिछले क्लास में पढ़े हुए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन बाय मूविंग एवरेज मेथड। आपको इसके प्रोसेस या रूट पहले से बता चुके हैं कि कैसे हम लोग मूविंग एवरेज मेथड निकालते थे, कैसे हम लोग मूविंग एवरेज मेथड से कैलकुलेट करते थे। मूविंग एवरेज मेथड में हम लोगों का तीन तरीका था, एक था 3 ईयर मूविंग एवरेज मेथड, एक था 5 ईयर मूविंग एवरेज मेथड और एक था 4 ईयर मूविंग एवरेज मेथड। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कर रहा है। कर रिप्रेजेंट ग्राफिकली द फ्लोइंग नंबर्स ऑफ लेबर इन योर फैक्ट्री, कैलकुलेट 3 ईयर मूविंग एवरेज फ्रॉम द एबव एंड प्लॉट देम ऑल्सो। कर 3 ईयर मूविंग एवरेज कैलकुलेट भी करना है और प्लॉट भी करना है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है, ईयर दिया हुआ है और एग्जाम क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ लेबर दिया हुआ है। नंबर ऑफ लेबर ईयर दिया हुआ है यहाँ पे 2001 से लेके 2009 तक, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 एंड 2009। और नंबर ऑफ लेबर दिया हुआ है, लेबर की संख्या है 2004, 2006, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2028, 2028 and 2028। ये ईयर और नंबर ऑफ लेबर की संख्या दिया है। हम लोग को क्या करना है कि थ्री ईयर मूविंग एवरेज के थ्रू ट्रेड वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले काम क्या करेंगे हम लोग, 3 ईयर मूविंग एवरेज निकालेंगे। तो 3 ईयर मूविंग एवरेज बताया था कैसे निकालेंगे, पहले फर्स्ट 3 डाटा को ऐड करेंगे और उसके एवरेज निकालेंगे, फिर 1 छोड़ के फिर नेक्स्ट 3, फिर सेकेंड टर्म को छोड़ के नेक्स्ट 3, ऐसे कंटिन्यूसली करेंगे। यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ लेबर के बाद 3 ईयर मूविंग एवरेज। इसको पहले ऐड करके 3 से डिवाइड करेंगे, तो जब ऐड करके 3 से डिवाइड करें तो कितना हो जाएगा, सबसे पहले देखिए ऐड करने के बाद कितना आएगा, ऐड करने के बाद आ जाएगा आपका 8,
हम लोग अगर इसको ऐड करते हैं तो थ्री ईयर मूविंग एवरेज ना लिखें, अगर हम यहाँ दो पार्ट में इसको लिखें, एक थ्री ईयर मूविंग टोटल, पहले टोटल कर लेते हैं उसके बाद लिखेंगे थ्री ईयर मूविंग एवरेज। तो थ्री ईयर मूविंग टोटल कितना होगा, सिक्स टू एट, एट फोर ट्वेल्व और वन थर्टीन का थ्री, फोर थ्री ट्वेल्व और वन थर्टीन का थ्री, वन टू थ्री सिक्स और वन सेवन। नेक्स्ट अगर ये छूट जाएगा, ये तीन ऐड होगा तो सिक्स फोर टेन का जीरो, एट टू टेन फोर फोर्टीन और वन सिक्सटीन, सॉरी हाँ ठीक है, एट टू टेन और फोर्टीन, फोर्टीन और वन फिफ्टीन, फोर थ्री ट्वेल्व और वन थर्टीन का थ्री, सिक्स और वन सेवन। नेक्स्ट क्या हुआ, ये दो छूटेगा, ये तीन ऐड होगा तो कितना हो जाएगा, सिक्स फोर टेन और एट, एटीन का एट, सिक्स एट टू टेन और फाइव फिफ्टीन और वन सिक्सटीन का सिक्स, ट्वेल्व और वन थर्टीन का थ्री, वन सिक्स और वन सेवन। नेक्स्ट टू अगर क्या है हटेगा, टू फोर एट सिक्स हटेगा, ए पर एट, ये तीन डाटा ऐड होगा, एट फोर थ्री, एट और फोर ट्वेल्व, ट्वेल्व और थ्री फिफ्टीन, फिफ्टीन का फाइव वन, फाइव टू सेवन वन, एट और वन नाइन, फोर फाइव फोर नाइन और फोर थर्टीन, थर्टीन का थ्री, सिक्स और वन सेवन। अगर क्या होगा, टू फोर हट जाएगा, टू फोर फाइव एट, टू फाइव वन थ्री, टू फोर जीरो नाइन, ये तीन ऐड होगा तो क्या आ जाएगा, एट और थ्री एलेवन, एलेवन और नाइन ट्वेंटी, ट्वेंटी का जीरो, फाइव वन सिक्स और टू एट, फाइव फोर नाइन और नाइन और फोर थर्टीन का थ्री, वन टू टू फोर टू सिक्स और वन सेवन। अगर क्या होगा, टू फोर फाइव एट हट जाएगा तो टू फाइव वन थ्री, टू फोर जीरो नाइन, टू फोर एट एट ऐड होगा तो कितना हो जाएगा, नाइन थ्री ट्वेल्व और एट, नाइन थ्री ट्वेल्व, ट्वेल्व और एट ट्वेंटी, ट्वेंटी का जीरो टू, एट वन नाइन और नाइन और टू एलेवन वन, फाइव फोर नाइन, नाइन फोर थर्टीन, थर्टीन एंड वन फोर्टीन सेवन। नेक्स्ट क्या होगा, अगर ये टू फाइव वन थ्री हट जाएगा, टू फोर जीरो नाइन, टू फोर एट एट, टू फाइव टू एट एट होगा तो एट एट सिक्सटीन, सिक्सटीन और नाइन, एट एट सिक्सटीन और नाइन ट्वेंटी फाइव, ट्वेंटी फाइव का फाइव टू, एट टू टेन, टेन और टू ट्वेल्व वन, फोर फोर एट, एट और फाइव थर्टीन और वन फोर्टीन का फोर वन, सिक्स और वन सेवन, सेवन फोर टू। अभी थ्री ईयर मूविंग, थ्री ईयर टोटल निकल गया, थ्री ईयर मूविंग एवरेज अब निकालना। तो जब थ्री ईयर मूविंग एवरेज निकालने का बात होगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसके वैल्यू को थ्री से डिवाइड करेंगे। जब इसको थ्री से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, टू फोर फोर सिक्स, टू फोर फोर सिक्स। इसको जब डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, टू फोर फाइव जीरो। इसको जब डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, टू फोर फाइव सिक्स, टू फोर सिक्स फाइव, टू फोर सिक्स जीरो, टू फोर सिक्स जीरो। नेक्स्ट इसको जब डिवाइड करेंगे तो टू फोर सेवन जीरो, इसको जब डिवाइड करेंगे तो टू फोर सेवन फाइव। सर ये हम लोग का क्या निकल गया, थ्री ईयर मूविंग एवरेज निकल गया। अब क्या करना है हम लोग को, इसको एक्सेस पे रिप्रेजेंट करेंगे, जो डाटा फाइंड आउट हुआ उसको हम लोग एक्सेस पे रिप्रेजेंट करेंगे।
देखिए क्या आंसर आएगा, यहाँ क्या लिखेंगे, फर्स्ट एवरेज कितना होगा, 2, 4, 4, 6, सेकेंड एवरेज कितना होगा, 2, 4, 5, 0, थर्ड एवरेज कितना होगा, 2, 4, 5, 6, फोर्थ एवरेज होगा, 2, 4, 6, 5, 2, 4, 6, 0, 2, 4, 7, 0, 2, 4, 7, 5, ये 3 ईयर में एवरेज निकल गया। अब हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये हो जाएगा एक्स एक्सिस और ये हो जाएगा वाई एक्सिस, ये पॉइंट हो जाएगा ओरिजिन। हम लोग को ये कहाँ से कहाँ पे लेना है, 2001 से लेके 2009 तक, यहीं से स्टार्ट करते हैं, 2001, 2002, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9, 2001 से लेके कहाँ पर चला गया, 2009 तक। अब हम इसको मिनिमम प्रोडक्शन देखिए कितना है, मिनिमम जो हम लोग का प्रोडक्शन है या तो नंबर ऑफ लेबर की संख्या है वो 2409 है, तो हम लोग यहाँ पे लेते कितना, 2410, फिर यहाँ लेते हैं कितना, 2420, 2430, 2440, 2450, 60, 70, 80, 90, और यहाँ 2500 और 10, 20, 30, 10 उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद ये बढ़ के यहाँ आ जाएगा 2520 और लास्ट होगा 2530। पहले हम लोग इसको ईयर बाई ईयर रिप्रेजेंट करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 2001 का है 2412, तो यहाँ पे आएगा अप्रोक्स, 2002 का है 2440, तो ये यहाँ पे आएगा, 2003 का है 2486, तो लगभग यहाँ पे जाएगा 864 का है 2424, 5 का है 2458, 6 का है 2513, 6 का है 2513, 7 का है 2409, 2409, 8 का है 2488, 2488, 9 का है 2528, 2528, 2528, सबको ज्वाइन कर देंगे, तो सबको ज्वाइन करेंगे कुछ ऐसा बनेगा,
विशेषण बनेगा। तो ये तो हम लोग ओरिजिनल डाटा रिप्रेजेंट किए, अब हम लोग थ्री ईयर मूविंग एवरेज रिप्रेजेंट करेंगे। तो फर्स्ट में तो कोई एवरेज नहीं था, एक खाली था और लास्ट वाला ईयर खाली था। तो यहाँ पे जो एवरेज का डाटा रिप्रेजेंट होगा 2002 से होगा, तो पहला कितना है 2446, 2446 2002 के लिए। नेक्स्ट कितना है 2450, नेक्स्ट है 2556, नेक्स्ट है 2465, 2465, नेक्स्ट है 2460, 2460, नेक्स्ट है 2470, टू फोर सेवन जीरो, नेक्स्ट है 2475, अब इसको ज्वाइंट करेंगे बाय डॉटेड लाइन से। तो ये हम लोग का क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ट्रेड को, थ्री ईयर मूविंग एवरेज की ट्रेड को रिप्रेजेंट कर रहा है ये रिजल्ट। तो इसी फॉर्मेट पे आप क्वेश्चन नंबर 7 बना सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 बना सकते हैं, जिसमें थ्री ईयर मूविंग एवरेज से एट में है आपका फोर ईयर मूविंग एवरेज, एट में है हम लोग का फोर ईयर मूविंग एवरेज। तो एक देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा, इसी फॉर्मेट पे अब क्वेश्चन नंबर 10 भी बना सकते हैं, जिसमें फाइव ईयर मूविंग एवरेज है, जिससे कि हम लोग यहाँ तीन तीन डाटा ऐड कर देते हैं, उसमें हम लोग पांच पांच डाटा एक साथ ऐड करते हैं। तो एक हम लोग देखते हैं फोर ईयर मूविंग एवरेज, क्वेश्चन नंबर 8। कैलकुलेट ट्रेंड बाय फोर ईयर मूविंग एवरेज, ट्रेंड कैलकुलेट करना किसके थ्रू, फोर ईयर मूविंग एवरेज के थ्रू। देखिए एक जगह लिखा हुआ ईयर और एक जगह लिखा हुआ यूनिट, ईयर में दिया हुआ कितना, ईयर में दिया हुआ 2002 से लेके 2009 तक, 2002 फोर ईयर मूविंग एवरेज का क्वेश्चन बनाना है। तो हम लोग को ये ध्यान रखना है कि लिखना कैसे है, 2003 फिर एक कॉलम छोड़ देंगे, नेक्स्ट 2004 फिर से एक कॉलम छोड़ देंगे, नेक्स्ट 2005 फिर से एक कॉलम छोड़ देंगे, नेक्स्ट 2006 फिर से एक कॉलम छोड़ देंगे, नेक्स्ट 2007 फिर से एक कॉलम छोड़ देंगे, नेक्स्ट 2008 एंड लास्ट 2009।
ये हम लोग को स्पेस पे ध्यान रखना पड़ेगा, कब, जब हम लोग फोर ईयर मूविंग का क्वेश्चन बनाएंगे उस समय, फोर ईयर मूविंग का क्वेश्चन बनाएंगे उस समय ये स्पेशली ध्यान रखना कि ऊपर का दो एक साथ लिखेंगे, बाकी एक कॉलम छोड़ के, एक रो छोड़ के लिखेंगे, और फिर लास्ट का दो एक साथ लिखेंगे। अब यहाँ देखते यूनिट कितना दिया हुआ है, यूनिट दिया हुआ है 30.1, 45.4, 39.3, 41.4, 42.2, 46.4, 46.6 and 49.2. ये दिया हुआ। अब इसमें हम लोग को क्या रूल था कि आपको यहाँ पे दो कॉलम करना था, एक में था क्या लिखेंगे फोर ईयर टोटल, एक में लिखेंगे एट ईयर टोटल, और एक में लिखेंगे फोर ईयर मूविंग एवरेज, एट ईयर टोटल और एक में लिखेंगे क्या फोर ईयर मूविंग एवरेज। तो देखिए फोर ईयर टोटल कितना हो जाएगा, ये चार को जोड़ेंगे तो 4, 3, 7, 7 और 4, 11 और 1, 12 का 2, 1, 5 और 9, 14 और 1, 15 और 1, 16 का 6, 1, 4, 3, 1, 4, 4, 8, 8 और 3, 11, 11 और 4, 15, 156.2। नेक्स्ट क्या होगा, 30.1 छूट जाएगा, तो सेकेंड थर्ड फोर्थ फाइव टर्म छूटेगा, तो ये दोनों यहाँ छूटेगा, ये दोनों यहाँ, इसका मिडिल ईयर यहाँ पे आएगा, तो कितना आएगा 4, 3, 7, 7 और 4, 11, 11 और 2, 11, 2, 13, 3, 1, 9, 5, 14, 1, 15, 16, 17, 17 और 1, 18 का 8, 1, 4, 3, 7, 7, 4, 11, 11 और 4, 15 और 1, 16, 168.3। नेक्स्ट अगर ये दोनों छूटेगा तो ये चार टर्म छूटेंगे, तो कितना आ जाएगा 4, 2, 6, 6 और 4, 10, 10, 13, 13 का 3, 1, 9, 1, 10, 10 और 8, 18 और 1, 19 का 9, 1, 3, 1, 4, 4, 8, 8, 4, 12, 12 और 4, 16, 169.3, 169.3। अगर क्या होगा कि ये टर्म भी छूट जाएगा तो 1, 2, 3, 4 ये चार जुटेंगे, तो ये चार जुटेंगे तो इसका मिडिल ईयर यहाँ पे आएगा, तो कितना हो जाएगा 6, 4, 10, 10 और 6, 16 का 6, 1, 2, 1, 1, 2 और 2, 4, 4, 6, 10, 10 और 6, 16 का 6, 1, 16 और 1, 17, 176.6, 176.6। तो अगर क्या होगा ये दोनों, ये दो चार, ये चार छूट जाएंगे, यहाँ तक छूटेगा, तो ये चार छूटेगा, तो इसका मिडिल ईयर यहाँ पे आएगा, कितना जाएगा 6, 4, 10 और 4, 14 का 4, 1, 1, 6, 2, 8, 8 और 6, 14, 14,
14 और 9 23, 23 और 1 24 का 4 2, 2 6 8 8 16 और 2 18, 184.4. अब क्या करेंगे, 8 ईयर हम लोग टोटल निकालेंगे, तो 8 ईयर टोटल निकालने का मतलब ये दो फोर ईयर को ऐड करेंगे, यहाँ इसका मिडिल ईयर अब यहाँ पे मिलेगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 325.8614 का 4 1 5 11 और 6 5 11 and 1 12 2 2 और 1 3. नेक्स्ट ये दोनों का ऐड करेंगे तो इसका मिडिल ईयर यहाँ पे मिलेगा 0.6 1 1 3 37.6. नेक्स्ट इसका मिडिल ईयर यहाँ पे मिलेगा 3 6 9 9 6 15 का 5 1 7 6 13 और 1 14 1 1 1 2 और 1 3 3 45.5. नेक्स्ट ये दोनों का मिडिल ईयर यहाँ पे मिलेगा 0 1 361.0. अब अगर फोर ईयर मूविंग एवरेज हम लोग निकालना चाह रहे हैं तो क्या करेंगे कि इस वैल्यू को 8 से डिवाइड करेंगे, यहाँ हो जाएगा 40.56, जिसको अप्रॉक्स 40.5 लिख सकते हैं. नेक्स्ट सेकेंड कितना आएगा, इसको अगर हम 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 * 32 = 16 = 42.2. इसको जो हम लोग डिवाइड करेंगे 8 से तो 8 * 32 = 16 * 32 = 43.3 लिख सकते हैं. 361 को अगर 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 * 32 = 36 * 8 = 40 45.1. तो ये हम लोग का क्या निकल गया, फोर ईयर मूविंग एवरेज निकल गया. अब इसके रिजल्ट को हम लोग एक्स वाई एक्सेस पे क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे. तो रिप्रेजेंट करने का प्रोसेस क्या था कि एक वाई एक्सेस में ईयर लिखते हैं और एक्स एक्सेस में यूनिट लिखते, सॉरी एक्स एक्सेस में ईयर लिखते हैं, ये एक्स एक्सेस हो जाएगा, ये वाई एक्सेस हो जाएगा, इधर ईयर आएगा तो कितना आएगा 2002 2003 2004 2005 1006 7 8 and 9. 2002 से लेके कहाँ तक, 2009 तक. और वाई एक्सिस में क्या आएगा, वाई एक्सिस में हम लोग का यूनिट आएगा, वाई एक्सिस में क्या आएगा, वाई एक्सिस में यूनिट आएगा. तो यूनिट का मिनिमम रिजल्ट कितना है 30.1, तो हम लोग यहाँ लिखते कितना 30 35 35 40 45 60 50 50 तक जाते हैं. अब पहले तो एक्स इसको रिप्रेजेंट करेंगे 30.1 तो यहीं पे आएगा अप्रॉक्स. नेक्स्ट 45.4, हल्का सा 45 से ऊपर चला जाएगा, 39.3 40 से नीचे आ जाएगा. नेक्स्ट 41.4 तो 40 से ऊपर चला जाएगा. नेक्स्ट 42.2 इससे भी हल्का सा ऊपर जाएगा, 46.4 इससे 45 से ऊपर चला जाएगा,
46.6 हल्का सा पॉइंट में हल्का सा ऊपर जाएगा, एंड 9 का 49.2 50 से हल्का सा नीचे रहेगा। अब इसको हम लोग ज्वाइंट कर देंगे मूविंग फॉर्म में। ये हम लोग का हो गया दातक। और फोर ईयर मूविंग एवरेज को जो रिप्रेजेंट करेंगे तो देखिए 40 को फर्स्ट फोर ईयर मूविंग एवरेज का वैल्यू कितना 40.5, ये किसमें लाइक करेगा 2004 में 40.5 से हल्का सा ऊपर रहेगा। नेक्स्ट है 42.2, ये किसमें लाइक करेगा 2005 में, ये भी हल्का सा ऊपर ही रहेगा 45 से कम। नेक्स्ट 43.2 ये किसमें लाइक कर रहा है 2006 में, 43.2 ये भी हल्का सा ऊपर रहेगा। नेक्स्ट 45.1 ये 45 से ज्यादा हो जाएगा। अब इसको ज्वाइंट कर देंगे डॉटेड फॉर्मेट में। ये हम लोग का क्या निकल गया, ये हम लोग का ट्रेड निकल गया, ट्रेड लाइन। तो आज की क्लास में हम लोग यहीं पर रखते हैं। इससे फोर ईयर मूविंग एवरेज का एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, जिसको आप कर लीजिएगा। और 10 नंबर क्वेश्चन में है लीस्ट स्क्वायर मेथड, सॉरी 5 ईयर मूविंग एवरेज, उसे अभी आप 3rd ईयर मूविंग एवरेज की जैसा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मेट पढ़ेंगे लीस्ट स्क्वायर मेथड। इसका थ्योरी तो ऑलरेडी देख चुके हैं, सिर्फ क्वेश्चन देखना है। तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं, थैंक यू।